देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। काका आप प्लीज। ध्रुव जी, ऐसा क्या जादू किया है दादी ने आप पर कि आप हमें और हमारे प्यार को भूल गए? दानी ने ये अच्छा नहीं किया, आपको हमसे छीनकर उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और तो मत करता उसकी जान ले ले। खबरदार, अगर अपने मुंह से थानी का नाम तक निकाला तुमने। योर ऑनर, पुलिस ने दीदी और ध्रुव जी का जो वीडियो पेश किया है सबूत के तौर पर, वो इस घटना से काफी पहले घटित हुआ था। और जैसे कि काका ने गवाही दी है, दीदी वहां से अकेली निकली थी। तो अगर वहां से अकेली निकली थी, ध्रुव जी उनके साथ ही नहीं थे, तो वो उनका खून कैसे कर सकते हैं? साबित हो जाता है कि हमारे पति ध्रुव पांडे निर्दोष। सृष्टि चौबे के खून के केस में अदालत पुलिस को ये आदेश देती है कि वो अपनी इंक्वायरी जारी रखे। ये अदालत मुलजिम ध्रुव काशीनाथ पांडे की जमानत मंजूर करती है। पहले ही समझ गए थे कि तुम वही औरत हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस वक्त तुम्हारे साथ दो और लड़कियां थी बुरखे में, तो हम रुक गए। जरूरी सबूत तो था हमारे पास, और हमारे लिए पति को छुड़ाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए तुम्हारे पीछे भागकर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते थे। पर अब वक्त आ गया है कि हम पता लगाए कि आखिर तुम हो कौन। बाहर आ गई थी क्या? किसे किसे पूछकर कोर्ट आई थी तुम? अगर वहां धानी तुम्हें देख लेती और तुम्हारा चेहरा सबके सामने लाती ना, तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। बेवकूफ, सारी मेहनत पे पानी फिर चुका है क्योंकि आप ना कुछ नहीं कर पाई। कहने को तो इतनी बड़ी ऑफिसर है आप और है एक नंबर। बस हाँ, तो मैं रहना अपनी। देखिए अब वहां पे ना झंडे गाड़ के नहीं आई है, धानी से हार के आई है। और इतनी कौन सी बड़ी बात थी? थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर पाई आप? दो दिन के लिए, बस दो दिन के लिए बस ध्रुव जी को जेल में नहीं रख पाई? अरे वो अदनी सी धानी आपको चकमा देके ना ध्रुव जी के साथ चली गई। वो इसलिए क्योंकि धानी ध्रुव जी से तुमसे ज्यादा प्यार करती है। असल में उन दोनों को ही साथ में रहना चाहिए, तुम जबरदस्ती बीच में घुस गई हो। और जहां तक मैंने धानी को देखा है ना, वो ध्रुव को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। धानी, लेकिन हमें वो सबूत मिलेगा कैसे? हम तो जानते तक नहीं है कि वो बुरखे वाली औरत है कौन। उस तक पहुंचने की सिर्फ एक ही कड़ी है ध्रुव जी, इंस्पेक्टर देवी कुमार। वो दोनों जरूर मिले हुए हैं, और जब तक हमें देवी कुमार के अतीत के बारे में या उनके मकसद के बारे में कुछ पता नहीं चलता, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।